बैटल्स बिटवीन ब्रदर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये जो भाई आपस में लड़े थे थ्रोन के लिए, यानी बैटल ऑफ थ्रोन्स हुई थी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, सो देयर वर फाइव बैटल्स विच वर फॉट बिटवीन ऑल ऑफ द ब्रदर्स. द फर्स्ट वन वॉज शुजा वर्सेज दाराशिकु. शुजा सबसे दाराशिकु सबसे बड़ा बेटा है, और उसके और सेकेंड सन के बीच लड़ी गई थी. तो शुजा ने क्या किया कि अपनी आर्मीज को भेज दिया आगरा के अगेंस्ट, और कहाँ पहुँच गया, बनारस, और विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस, यानी कोई भी उसे मसला नहीं हुआ था इन चीज़ों में, अपनी आर्मीज को भेजने में. दारा शिकु ने अपने सबसे बड़े बेटे को भेजा कि भाई तुम जाओ और अपने, यानी चाचा लगा ना उसके अंकल को, फेस करो जाके और उससे लड़ाई करो, और उनकी आर्मी के साथ तुम लड़ो, फोर्स को तुम लीड करो, जो आर्मी फोर्स थी. तो फिर ये 1658 AD में नियर बनारस में शुजा जो था उसकी आर्मीज के साथ दारा शिकु के बेटे ने जंग लड़ी, और शुजा हार गया, डिफीट हो गई उसको, और वापस वो कहाँ चला गया, बंगाल. ओके स्टूडेंट, द सेकेंड बैटल की बात करते हैं कि वो कंबाइन फोर्सेस जो थी औरंगज़ेब और मुराद की, उन्होंने किसके साथ जंग लड़ी थी, दारा शिकु के साथ. दारा शिकु अब तक हरा चुका है किसको, शुजा को. और हमने पहले ही पढ़ लिया था कि औरंगज़ेब और मुराद ने अपनी अलायंस कर ली थी और कंबाइन होकर डिसाइड कर लिया था कि हम लड़ेंगे बाकी भाइयों के खिलाफ. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, दारा शिकु को जब न्यूज़ मिली कि इन दोनों ने अपनी आर्मीज तो मिला ली हैं, तो उन्होंने उसने क्या किया कि अपनी आर्मी मिलिट्री को भेज दिया इन दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए. ठीक है, और आर्मी को भेजा कि इन्हें रोकें. जब बैटल लड़ी गई थी उज्जैन के मकाम पर, तो दारा शिकु की आर्मी को शिकस्त हुई थी और वो भाग गए थे मैदान जंग में से, बैटल फील्ड में से उन्होंने दौड़ें लगा दी थी क्योंकि वो हार गए थे. ठीक है, दे वर नॉट एबल टू फेस द आर्मी ऑफ औरंगज़ेब एंड मुराद. तो यहाँ से पता क्या हुआ था कि औरंगज़ेब की जो मिलिट्री पार्ट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, और वो मज़ीद कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ भाई मैं बन सकता हूँ बादशाह क्योंकि मैंने इनको हरा दिया है. उसने दारा शिकु की आर्मी को शिकस्त दे दी थी मुराद और औरंगज़ेब की कंबाइंड आर्मी ने मिलकर. ठीक है, सो दिस इज़ द थर्ड बैटल इंगेजमेंट बिटवीन कंबाइंड फोर्सेज ऑफ औरंगज़ेब एंड मुराद विद दारा शिकु. ठीक है, दारा शिकु की आपको पता पहले ही फोर्सेज को हार हो गई हुई है. ठीक है, उसने अपनी फोर्सेस भेजी थी, खुद नहीं आया था सेकंड बैटल में. थर्ड बैटल में क्या हुआ था कि जब उसने दारा शिकु को हरा दिया था ना औरंगज़ेब ने और मुराद ने, तो वो कहाँ पहुँच गए, ग्वालियर. ग्वालियर भी क्या था, एक सिटी था. ठीक है, वहाँ पर पहुँच गए और आगरा की तरफ जाने लगे, और आगरा के बिल्कुल बाहर जो दोनों आर्मीज थी एक दफ़ा फिर एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, कन्फ्रंट हो गया. कौन सी दो आर्मीज, औरंगज़ेब और मुराद की अगेंस्ट किसके हो गए, दारा शिकु की आर्मी के. वो दोनों तो इकट्ठे काम कर रहे हैं, राइट. तो उन्होंने, दारा शिकु ने क्या किया, उन पर तोपें खोल दी, आर्टिलरी कहते हैं तोप को, तोपें खोल दी और उनको हराने की कोशिश करने लगे. लेकिन जो औरंगज़ेब की आर्मी थी वो अपने ग्राउंड पे खड़े रहे, यानी वो फुल जिद्दोजहद से लड़ते रहे, और उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई की उसकी आर्मी के साथ. और जब जो जो जंग थी वो अपने पीक पर थी, यानी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जंग अभी जारी ही थी, दारा शिकु बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया क्योंकि वो ख़ुद भी ये जंग लड़ रहा था, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और फ्लेट टू आगरा, आगरा भाग गया. ठीक है, ये जंग कहाँ हो रही थी, आगरा के बाहर. दारा शिकु ज़ख्मी होकर कहाँ भाग गया, आगरा. उसके जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, उन्होंने लगा कि वो मर गया है. ठीक है, जंग में तो आपको पता नहीं होता, आपने अगर कभी जंगी सीन देखे हों कि कोई होश नहीं होती, जो तलवारबाजी वाली जंग हो रही होती है, घोड़ों वाली जंग हो रही होती है, कि कौन कहाँ गिरा हुआ है, कौन कितना ज़ख्मी है, आपको, आपने वो ड्रेसेस पहने होते हैं जंगों वाले, आपको नहीं पहचान आती. उन्हें लगा उनका बादशाह जो है वो मर गया है, यानी जो उनका होने वाला बादशाह है वो मर गया. दारा शिकु वो डीमोरलाइज्ड हो गए, यानी वो डीमोरलाइज होते हैं कि आपकी मतलब हिम्मत जवाब दे जाती है और आप में हौसला नहीं रहता. औरंगज़ेब ने क्या किया, आगरा पे कब्ज़ा कर लिया और दारा शिकु वहाँ से भी भाग गया. दारा शिकु कहाँ भाग गया, दिल्ली. ठीक है, क्योंकि फौजें हार गई दारा शिकु की, तो औरंगज़ेब ने कब्ज़ा कर लिया आगरा पे फौरन, और वो वहीं से महल से निकल के दिल्ली की तरफ भाग गया. अच्छा, औरंगज़ेब और मुराद को जब पता चला कि वो आगरा भाग गया, तो उन्होंने आगरा जाके दारा शिकु को ढूंढने का कोशिश करने लग गए. ठीक है, दोनों, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक रुकावट थी उनके रास्ते में अभी भी, क्योंकि एक जंग हो चुकी थी, ये सेकंड जंग थी, उसके बाद भी वो बास नहीं आ रहा था. अच्छा, औरंगज़ेब को ना रास्ते में एक ख़त मिला, उसने इंटरसेप्टेड अ कॉन्फिडेंशियल लेटर, यानी एक कॉन्फिडेंशियल लेटर मिला शाहजहान की तरफ से. ये सब तब हो रहा है जब शाहजहान अभी ज़िंदा है लेकिन बीमार है. उसको एक रास्ते में इंटरसेप्ट किया उसने एक लेटर, यानी एक ख़त था. पहले ज़माने में लोगों के हाथ पैसेजेस भेजे जाते थे या डिफरेंट किस्म के परिंदे यूज़ होते थे, तो उसने एक ख़त रोका और उसमें लिखा हुआ था कि शाहजहाँ ने, यानी
दारा शिकोह को लिखा हुआ था कि मुराद को लिखा हुआ था, सॉरी, शाहजहां ने मुराद को लेटर लिखा था कि वो औरंगज़ेब के साथ अपना अलायंस तोड़ दे, यानी अपना जो उसने कंबाइन की हुई है फोर्सेस वो तोड़ दे, और वो प्रॉमिस करता है कि वो उसको दिल्ली का राजा बना देगा उस टाइम, ठीक है। शाहजहां ने ऑफ़र की हुई थी किसको, मुराद को, लेकिन मुराद किसका हिस्सा था टीम का, औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब ने बहुत ही चलाकी की और किसको अरेस्ट कर लिया, मुराद को, क्योंकि ये जंग हो रही थी तख्त की, ये जंग थी थ्रोन की थी, इट वॉज अ बैटल ऑफ थ्रोन। उन्हें सबको भूख किसकी थी, तख्त की भूख है सबको इस टाइम। तो उसमें कोई भाई भाई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बाप नहीं है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जब इस तरह की जंग होती है ना, जो लालच आ जाता है दिल में, तो इंसान कुछ भी याद नहीं रखता। औरंगज़ेब ने चलाकी से उसने कहा ये तो मेरे रास्ते में रुकावट बन गया मुराद, ठीक है, और बाप ने तो उसको बहुत ज़बरदस्त सिटी ऑफ़र करवा दी है दिल्ली का, कि मैं दिल्ली का तुम्हें किंग बना दूंगा। आफ्टर दैट तो उसने क्या किया, उसको गिरफ्तार कर लिया मुराद को, और ग्वालियर के किले में उसको कैद कर दिया, ठीक है। और औरंगज़ेब ने एक और दीवार को गिरा दिया, यानी एक और जो भी पत्थर था उसके रास्ते में थ्रोन के, यानी तख्त के रास्ते में, उसको गिरा दिया मुराद की शक्ल में। फिर जुलाई 1658 AD में जब वो जेल चला गया, यानी उसको कैद कर दिया, औरंगज़ेब ने अपने आप को शहनशाह, एम्परर कहते हैं शहनशाह को, शहनशाह यानी उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं शहनशाह हूँ और मैं ही अब यहाँ पे बादशाह बनूँगा। शाहजहां को जब पता चला, वो औरंगज़ेब पे बहुत ही गुस्सा हुआ कि उसने जी आगरा पे कब्ज़ा कर लिया। फिर शाहजहां की जो बेटी थी, उन्होंने बेटियों ने उसका गुस्सा ठंडा किया, यानी उन्होंने कहा कि आप आराम से बैठें, आप बीमार हैं, आप ज़रा रिलैक्स करें, हम ये मैटर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू वन ट्रेडिशन, यानी एक रिवायत के मुताबिक, कहा जाता है कि उन दिनों लेटर्स जो थे शाहजहां के, वो इंटरसेप्ट हुए थे, जिसमें शाहजहां ने दारा शिकोह को कहा था कि वो दिल्ली में रहे और उसकी सक्सेसर वुड बी डिसाइडेड वेरी सून, यानी कि उसको कहाँ का बादशाह बनाना है ये बहुत जल्द बता देगा शाहजहां उसको, ठीक है। ये लेटर पढ़ने के बाद कहते हैं कि औरंगज़ेब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया शाहजहां पे, और उसने उन्हें कन्फाइंड कर दिया किले के अंदर, यानी औरंगज़ेब ने अपने ही बाप को किले के अंदर कैद कर दिया। कन्फाइंड का मतलब होता है किसी को क्लोज कर देना, महदूद कर देना, ठीक है। उसने उसको कन्फाइंड कर दिया किले के अंदर शाहजहां ने, और किला कहाँ था, आगरा में ही था, कि तुम कहीं नहीं जा सकोगे और ना ही तुम्हारे लेटर्स कहीं जा सकेंगे। तो इतनी ज़बरदस्त उसको भूख थी तख्त की, कि उसने अपने बाप को भी नहीं कुछ समझा और उसको भी बंद करके रख दिया। फिर औरंगज़ेब की डेथ हुई 1666 AD में, अपनी कन्फाइनमेंट में ही, यानी अपने बंद जब वो था किले में, तभी उसकी डेथ हुई थी उसकी, शाहजहां की, 1666 AD में, जब उसके बेटे औरंगज़ेब ने उसको बंद किया हुआ था, तभी उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा जी, फोर्थ बैटल में क्या हुआ था, जब औरंगज़ेब ढूंढने में बिजी था दारा शिकोह को, शुजा ने सोचा कि क्यों ना एक दफ़ा फिर अपनी लक ट्राई की जाए। उसने अपनी आर्मी को भेजा, बंगाल छोड़ दिया, और कहाँ पहुँच गया, अलाहाबाद, और उसने आगरा की तरफ जाना शुरू कर दिया। औरंगज़ेब ने सोचा कि वो दारा शिकोह की जो है वो तलाश बाद में कर लेगा, पहले शुजा से निमट लेता है, क्योंकि शुजा को तो एक दफ़ा हरा चुका है। तो शुजा ने कहा कि मैं भी अपनी लक आजमाता हूँ, शुजा एक दफ़ा हार चुका है दारा शिकोह से, राइट। शुजा ने कहा चलो मैं औरंगज़ेब के साथ लक आजमाता हूँ, हो सकता है मैं जीत जाऊँ। उसने कहा कि औरंगज़ेब ने कि मैं पहले शुजा से डील कर लूँ। फिर जनवरी 1659 AD में दोनों ब्रदर लड़े, और शुजा जो था वो हार गया और भाग के कहाँ चला गया, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल की तरफ वो चला गया हारने के बाद, क्योंकि दोनों लड़े थे भाई और दोनों बुरी तरह से हार गया था शुजा। अब जब फिफ्थ बैटल हुई थी, तो जो औरंगज़ेब और शुजा के दरमियान जो भी हुआ था, दारा शिकोह को टाइम मिल गया था कि वो प्रिपेयर कर ले और अपनी फौजों को फिर से इकट्ठा कर ले और एक दो बार फिर वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। वो मुल्तान में था, और उसने वो सिंध चला गया और फिर अजमेर चला गया। इसके बाद उसने बहुत ज़्यादा हुक्मरानों को मतलब रिक्वेस्ट की कि उसकी मदद करें। कुछ ने उसको यकीन दिला दिया कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे इस जंग में, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, मतलब ज़रूरत के वक्त पे वो सब मुकर गए। बाकी जैसे होते हैं ना, डिफरेंट सिटीज़ होते हैं, उनके हुक्मरान थे मुग़ल एम्पायर के अलावा, उन्होंने फिर वादा किया तो था कि भाई हम हेल्प कर देंगे तुम्हारी, लेकिन सब मुकर गए थे जब ज़रूरत का उसको टाइम मिला, जब ज़रूरत का टाइम आया। दारा शिकोह जो था उसको एक दफ़ा फिर शिकस्त हुई और वो बैटल फील्ड से, यानी मैदान जंग से भाग गया। उसको अरेस्ट कर लिया गया उस दौर में जब वो मदद मांग रहा था, और उसने बहुत ज़्यादा थक चुका था उस दौर में, और उसको बाद में मार दिया गया था। दारा शिकोह को मारने के बाद, उसका बेटा मरने के बाद, सुलेमान शिकोह जो था उसने भी रिवेंज लेने की कोशिश की औरंगज़ेब से, लेकिन औरंगज़ेब ने उसको भी अरेस्ट कर लिया और उसको भी कत्ल करवा दिया, ठीक है। और औरंगज़ेब ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शहनशाह बरे सगीर का।
यानी औरंगज़ेब ने किसी को भी नहीं छोड़ा। औरंगज़ेब ने अपने भाई मुराद को मतलब जेल भिजवाया, जेल में बंद किया, उसने अपने बाप को बंद किया, फिर उसने अपने भाई दारा शिकोह को कत्ल किया, और उसने अपने भतीजे सुलेमान को भी कत्ल किया सिर्फ तख्त के लिए। और ये सब करने के बाद फाइनली वो एक डिक्लेयर हो गया था एम्परर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का बहुत ज़बरदस्त सा शहनशाह। ओके सो वी हैव सेवेंथ क्वेश्चन हियर दैट राइट डाउन द डिटेल ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग शाहजहां सन। इफ़ यू हैव गोन थ्रू माई लेक्चर्स दैन यू इट शुड बी ईजी फॉर यू टू लर्न दिस क्वेश्चन। सो लेट्स गो थ्रू इट। फर्स्ट बैटल सबको पता है, सितंबर 57 में शाहजहां बीमार हो गया था, ये सबने पढ़ा राइट। और वो अभी उसकी तबीयत ठीक ही नहीं थी जब उसके चारों बेटों ने लड़ना शुरू कर दिया था राइट। फर्स्ट बैटल हुई थी शुजा और दारा शिकोह में, सेकेंड हुई थी औरंगज़ेब और मुराद और दारा औरंगज़ेब और मुराद की दारा शिकोह के साथ, थर्ड हुई थी औरंगज़ेब और मुराद की फिर दारा शिकोह के साथ, फोर्थ हुई थी औरंगज़ेब की शुजा से, और फिफ्थ हुई थी औरंगज़ेब की दारा शिकोह से। फर्स्ट बैटल में शुजा और उसके बेटे को, शुजा और उसका जो बेटा था दारा शिकोह का बड़ा बेटा था, वो आमने सामने आए थे और हारा कौन था? शुजा, और बंगाल चला गया था। सेकेंड बैटल में क्या हुआ था कि बैटल जो थी यूजैन के मकाम पे हुई थी, और दारा शिकोह और उसकी आर्मी जो थी वो वहाँ से भाग गए थे। थर्ड बैटल जो थी वो औरंगज़ेब मुराद ने लड़ी थी दारा शिकोह के साथ, लेकिन जब जैसे ही उसकी पीक पे पहुंची थी जंग, क्या हुआ था, दारा शिकोह जो था बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था और कहाँ भागा था? आगरा, और उसके बाद दिल्ली। और उसके बाद औरंगज़ेब ने क्या किया था, मुराद को अरेस्ट कर लिया था राइट। हमने पढ़ा ना ये कि वो लेटर के बाद फादर के अरेस्ट कर लिया था। फिर फोर्थ बैटल में औरंगज़ेब ने शुजा के साथ लड़ाई की थी, और ये डेट है 1659 AD, और दोनों भाई इतना लड़े थे, और उसके बाद शुजा जो था वो हार के ईस्ट बंगाल चला गया था। फिफ्थ बैटल में दारा शिकोह और औरंगज़ेब फिर आमने सामने आए थे, लेकिन बैटल में दारा शिकोह को हार हुई थी, यानी वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हारा था, और उसके बाद उसको मार दिया गया था। औरंगज़ेब ने अपने आप को शाहजहां सॉरी औरंगज़ेब ने अपने आप को क्या किया था, उस दौर का बादशाह डिक्लेयर कर दिया था। और इसी में आपने पहले पढ़ा कि उसका बेटे की भी डेथ हो गई थी ठीक है, उसको भी मार दिया था औरंगज़ेब ने। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, इट शुड बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न, सो जस्ट लर्न दिस क्वेश्चन एंड देन इंशाल्लाह आफ्टर वेकेशन आई वुड बी टेकिंग टेस्ट फॉर द होल चैप्टर। ओके।